नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लैनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 11 के चैप्टर 6 को देख रहे थे। चैप्टर का नाम है द थ्री ऑर्डर्स और हम पार्ट 2 पर पहुंच गए हैं। पीपीटी नोट्स हैं इंग्लिश में, एक्सप्लेन मैंने हिंदी में किया है। पीडीएफ डाउनलोड इसका जो लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, उससे आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम सेकेंड पार्ट की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। शुरू करने से पहले एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलते हैं। ये सारी की सारी स्लाइड्स हमने फर्स्ट पार्ट में देख चुकी है। जिन्होंने नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट, वो पहले फर्स्ट पार्ट देख लें। सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं द फर्स्ट ऑर्डर क्लर्जी से। ठीक है, अब ये जो तीन ऑर्डर हमने पढ़े थे उसमें से फर्स्ट ऑर्डर नोबल और क्लर्जी जो आता है उसमें से क्लर्जी को हम पढ़ते हैं। क्लर्जी कौन थे? द क्रिश्चियंस ऑफ यूरोप वर डायरेक्टेड बाय बिशप्स एंड क्लैरिक्स ऑफ चर्च। कौन थे ये? यूरोप की जो जनता है, क्रिश्चियंस है, उनको डायरेक्शन जो देते थे, रिलीजियस या जो भी डायरेक्शन देते हैं उनको डायरेक्ट करने वाले ये क्लर्जी क्लास होता था, बिशप्स और क्लरिक्स चर्च के। दे मेड द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फ्यूडल सोसाइटी। अबव दोज बिशप्स एंड क्लरिक्स वर द हेड ऑफ वेस्टर्न चर्च द पॉप हु लिव्ड इन रोम। इन बिशप्स और क्लरिक्स जो क्लरिक्स होते थे उनसे ऊपर, मतलब इनका भी सबसे एक हेड कौन था? पोप था, जो वेस्टर्न चर्च का हेड था और रोम में रहता था। ठीक है, जिन्होंने उनको उपाधि दी थी होली रोमन एम्परर की, शार्लमैन को। ठीक है, द कैथोलिक चर्च वॉज द मोस्ट डोमिनेंट बॉडी विच डेन डिपेंड ऑन किंग। अब ये जो कैथोलिक चर्च था ये एक डोमिनेंट बॉडी थी जो राजा पे डिपेंड नहीं करती थी कि वो राजा से लैंड लेंगे उसके बदले में उनको सर्विसेज देंगे, जैसे बाकी उसमें नॉबल्स और उनमें होता था। ये राजा पे डिपेंड नहीं करती थी, इंडिपेंडेंट थे। द चर्च हैड इट्स ऑन लैंड्स लॉज ऑन लैंड्स, इनके अपने अलग लॉज होते थे, पॉलिटिक्स का मतलब इनके बीच में राजा इंटरफेयर नहीं कर सकता था इनके अपने जीवन में या इनके अपने लॉज वगैरह में। इनकी अपनी ज़मीनें होती थी ग्रांटेड बाय द किंग, कलेक्टेड जो राजा ने उनको ग्रांट की हुई थी या फिर दान दी हुई थी, और ये टैक्स भी कलेक्ट करते थे अपना खुद का अलग से। मतलब राजा को भी टैक्स मिलता है लेकिन इनको भी टैक्स मिलता था अपना अलग से। ठीक है, तो ये जो पॉप है, बिशप्स है, प्रीस्ट्स है, मॉन्क्स है, इनका अगर थोड़ा हायरार्की समझे या फिर इनका जो काम है अलग अलग वो समझे तो इस तरीके से है। पोप सबसे बड़ा था। द पोप वॉज द स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ द चर्च। ये जितने भी चर्च थे, क्रिश्चियंस थे यूरोप में, उन सब का स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर जो था पोप था, वो कहाँ रहता था? रोम में। ठीक है, कार्डिनल्स एंड बिशप्स। अब ये जो कार्डिनल्स और ये बिशप्स थे, ये इनका क्या काम होता था? बिशप्स और कार्डिनल्स हेल्प द पोप रन द चर्च। अब ये जो पोप है वो एक एक चर्च में हर एक जगह पर तो नहीं जाएगा ना, तो हर एक जगह का कोऑर्डिनेशन, जैसे गवर्नर टाइप होते हैं ना एरिया के, ऐसे ही इस तरीके से काम होता है, स्पिरिचुअल गवर्नर समझ लीजिए। द बिशप्स रन द डायोसेसेस एरियाज विद सेवरल चर्चेस। अब इनका अलग जैसे एरिया होता था ना, जैसे नॉबल्स का एरिया होता था अपना अलग से, तो जिसमें उन्हीं उसी तरीके से उस एरिया में जितने भी चर्च आते हैं उनका कोऑर्डिनेशन करना, उनका काम देखना, वहां से संभालना, ये इन बिशप्स का और कार्डिनल्स का काम होता था, और ये पोप को बाद में जवाबदेह होते थे। ठीक है, उसके नीचे आते थे प्रीस्ट। अब ये प्रीस्ट कौन होते थे? प्रीस्ट एंड इंडिविजुअल चर्चेस। अब बिशप्स और कार्डिनल्स के अंडर आता था एरिया, और प्रीस्ट क्या होता था? वो इंडिविजुअल चर्च होते थे। हर एक चर्च का जो अलग से एक पुजारी होता था, ये वे होते थे प्रिस्ट, क्योंकि हर एक नोबिलिटी, जो नोबिलिटी होता था उसके पास जितने भी गांव होते थे, जगह होती थी, उनमें अलग से सारे के सारे ये होते थे, चर्च होते थे, तो हर एक चर्च को भी एक अलग से चलाने वाला जो पुजारी होता था ये प्रिस्ट होता था, ये वो काम करते थे उनसे भी अलग। लेकिन ये जो मॉन्क्स और नन होते थे ये इनसे अलग होते थे ये। ठीक है, मॉन्क्स और नन्स जो होते थे ये अलग से आइसोलेटेड कम्युनिटीज में रहते थे, ये चर्च वगैरह में नहीं रहते थे, इनके साथ नहीं रहते थे। दे लर्न टू रीड लैटिन, ग्रू देयर ऑन लैंड्स, अपनी लैंड खुद उगाते थे, खुद खेती करते थे अपने उस पे, कॉपीड एंड ट्रांसलेटेड रिलीजियस टेक्स, और अपना रिलीजियस टेक्स बनाते थे, जो बाइबल वगैरह जो इनके टेक्स होते थे रिलीजियस चर्च वगैरह के, उनको लिखना, उनको कॉपी करना, ये इन मॉन्क्स और नन्स का काम होता था, और ये लेबर वगैरह का भी अपना काम ये खुद करते थे। इनका जैसे बाकी इनकी काम कौन करते थे? पीजेंट्स और बाकी जो लोग करते थे, लेकिन ये मॉन्क्स और नन होते थे, इनको अपना काम खुद करना होता था। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल विलेजेस हैड चर्च, हर एक विलेज में एक अलग से चर्च होता था। पीपल गैदर्ड ऑन संडे प्रे एंड लिसन टू द सर्मन्स ऑफ द प्रीस्ट। अब
हर एक जो चर्च का प्रीस्ट होता था वो हर संडे को प्रे करता था और उपदेश देता था, जिससे उस गांव के सारे लोग आकर सुनते थे। मैन हू बिकम ए प्रीस्ट कुड नॉट मैरी, जो प्रीस्ट बनता था वो मैरी शादी नहीं कर सकता था। सर्व्स जो है, पीजेंट्स जो है, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, वुमेन है, ये प्रीस्ट नहीं बन सकते थे। और जो बिशप्स होते थे वो नोबल क्लास में आते थे, रिलीजियस फील्ड की नोबल क्लास में आते थे बिशप्स। दे ऑल लैंड्स लाइक लॉर्ड्स। अब ये जो बिशप्स होते थे वे लॉर्ड्स की तरह अपनी अलग से लैंड भी उनकी होती थी, बड़े बड़े एस्टेट्स होते थे, इनके पास जगह होती थी और एक ग्रैंड पैलेस होता था अलग से रहने के लिए बिशप्स के पास। द चर्च कलेक्टेड 1/10 ऑफ शेयर फ्रॉम बीजेंस प्रोड्यूस एवरी ईयर कॉल्ड द टिथ। और ये जो बिशप्स होते थे और चर्च होते थे, इनको पीजेंस से टैक्स मिलता था। जो टैक्स कलेक्ट करते थे कहाँ से मिलते थे? पीजेंस से। पीजेंस इनको कितना देते थे? 1/10 शेयर देते थे अपने प्रोड्यूस का हर एक साल। और इस टैक्स को क्या कहा जाता था? टिथ। अब ये जो क्लर्जी नॉबिलिटी और पीजेंट्स का जो डिफरेंस है इनका पॉपुलेशन का, वो क्या है? ये क्लर्जी है वो लगभग 1 लाख, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 6% है, और इनके पास भी लैंड ऑनरशिप है। नॉबिलिटी जो क्लास होती थी वो टोटल पॉपुलेशन में से 4 लाख थे, 20% था, इनके पास भी लैंड ऑनरशिप होती थी। लेकिन पीजेंट्स जो है, सबसे ज्यादा जो होते थे, 2 करोड़ 40 लाख लगभग, उनके पास कोई लैंड ऑनरशिप नहीं होती थी। द चर्च ऑल्सो गॉट मनी इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस। ये चर्च टैक्स के साथ साथ इनको डोनेशन के रूप में भी नोबल से और राजा से मिलता रहता था मनी, कि उनके बदले में जो चर्च है उनके लिए पूजा करता था, उनकी वेलफेयर के लिए। इसलिए जो रिचुअल्स और राइट्स वगैरह फ्यूडल नोबल्स के होते थे, वो भी ये चर्च और ये प्रीस्ट और मॉन्क्स, सॉरी क्या बोलते हैं इनको, बिशप्स वगैरह ये करते थे। द एक्ट ऑफ नीलिंग वाइल प्रेइंग विद हैंड्स क्लास्प एंड हेड बाउड वॉज आइडेंटिकल टू नाइट्स एक्ट टू टेक वो फॉर देयर लॉर्ड। जैसे ये नाइट्स होते थे, उनको शपथ लेनी होती थी अपने लॉर्ड के लिए, अपने नोबल के लिए जो उनके ऊपर होता था, कि हम पूरी जिंदगी आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए सर्विस देंगे अपनी, वैसे ही ये चर्च में भी ऐसे इसी तरीके से करते थे, घुटने टेक के, हाथ बांध के, वैसे ही चर्च के सामने भी शपथ लेते थे अपना उनके प्रति। द लॉ द टर्म लॉर्ड फॉर गॉड वॉज ऑल्सो अडेप्ट फ्रॉम फ्यूडल कस्टम्स। अब ये जो लॉर्ड जो शब्द था ये वहीं से आया था भगवान के लिए, कि जैसे चर्च और भगवान है उनके ऊपर है, वैसे ही लॉर्ड जो उनके जो नोबल्स उनसे ऊपर, हायर क्लर्जी जो लोग हैं, नोबल्स हैं, वो भी उनके लिए लॉर्ड के समान है, क्योंकि वही उनकी रक्षा भी करते हैं, उनका पालन पोषण भी करते हैं, उनके भूमि भी देते हैं, उनका खाना भी भरते हैं, उनका पेट भी भरते हैं, सब कुछ। तो वही उनके लिए भगवान है, तो वहीं से ये वर्ड आया था लॉर्ड, के आपसे जो हायर है आप उसको लॉर्ड कहेंगे। मॉन्क्स एंड मोनेस्ट्रीज। और अब इसमें जो मॉन्क्स और मोनेस्ट्रीज आते हैं वो कौन थे? मॉन्क्स कौन थे? दे वर डिवोट क्रिश्चियंस एंड फ्यूडल सोसाइटी नोन एज मॉन्क्स। अब भगवान के प्रति जिनकी श्रद्धा बहुत ज्यादा हो जाती है, जो सोसाइटी में रहना नहीं जाते हैं, चाहते हैं, जैसे इंडियन सोसाइटी में होता है सन्यासी, ये मॉन्क्स क्रिश्चियन सोसाइटी में भी होते थे, जिन्हें मॉन्क्स कहा जाता था, जो बहुत ही ज्यादा डिवोट होते थे, ठीक है। द ऑप्टेड टू लिव आइसोलेटेड, अलग रहना इन्होंने चूज किया, जबकि क्लर्जी और जो बिशप्स वगैरह हैं ये टाउन्स और विलेजेस में ही अपने अलग से महल में रहते थे, लोगों के बीच में, उनको गाइड करने के लिए, उनको हर संडे को प्रेयर में उनको संदेश देने के लिए, भाषण देने के लिए, उनको ईसा मसीह के कदमों पर चलने के लिए, जो उनको गाइड करते थे, स्पिरिचुअल लीडर होते थे। लेकिन मॉन्क्स ऐसा नहीं करते थे, ये अपने लीडर खुद ही थे, अपने अपने स्पिरिचुअल लीडर एक तरीके से खुद ही थे, खुद अपना लाइफ को गाइड करते थे और अलग से रहते थे, और अपना प्रेम प्रेयर में और भगवान के ध्यान में अपना जीवन बिताते थे। दे लिव्ड इन रिलीजियस कम्युनिटीज कॉल्ड एबीज और मोनेस्ट्रीज अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट्स। और ह्यूमन सेटलमेंट्स जहां है उससे बाहर ये लोग अलग रहते थे, मतलब जीवन के जो आसपास उनका लाइफ है, अट्रैक्शन है, उन चीजों को ये छोड़ चुके होते थे, और इन जहां पर ये रहते थे इन्हें एबेज या मोनेस्ट्रीज कहते थे। मोंक्स वोज टू स्टे इन एबे फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। पूरी जिंदगी उन्होंने शपथ ले ली थी कि अब वो यही रहने वाले हैं। और ये करते क्या थे? वहां पर वर्शिप करते थे, पूजा वगैरह में अपना टाइम निकालते थे, स्टडी मतलब जो उनकी स्पिरिचुअल टेक्स्ट वगैरह है उनको पढ़ना है, उनको कॉपी करना है और कॉपीज बनानी है, मैनुअल लेबर लाइक फार्मिंग, अपना जो खुद का इनको पेट भरना है, वो भी पीजेंट्स नहीं करते थे, इनका खुद अपनी खेती बाड़ी और अपना काम खुद करते और खुद कमा के खाते थे।
ये जो एबे है, मोनेस्ट्रीज है एबे, ये सिरिक अब्बा वर्ड से डिराइव हुए हैं, जिसका मतलब होता है फादर. और एन एबी वॉज गवर्न बाय एन एबॉट और एन एबीज, जो इनके गवर्न हेड होते थे एबिस में, एक एबे में, एक मोनेस्ट्री में जो हेड होता था उसको एबीज या एबॉट कहते थे. ठीक है. द लाइफ वॉज डिफरेंट फ्रॉम प्रीसूड एंड क्वाइट ओपन टू बोथ मैन एंड वुमेन, एंड वुमेन बिकेम्स नन. जैसे बिशप्स और प्रीस्ट हैं सिर्फ आदमी बन सकते थे, उसमें ना तो औरत नहीं, प्रीस्ट नहीं बन सकती है, बिशप नहीं बन सकती है, और ना ही जो सर्फ हैं या फिजिकल चैलेंज्ड हैं वो नहीं हो सकते थे. लेकिन मॉन्क्स में ऐसा नहीं होता था. यहाँ पर जो फीमेल मॉन्क्स होती थी उन्हें नन कहा जाता था. आदमी और औरत दोनों के लिए खुला था, और इनकी अपना अलग से रहना होता था. सिंगल सेक्स कम्युनिटी होती थी, मतलब आदमियों के और औरतों के लिए रहने की, या जो मनेस्ट्रीज थी, एबिस थे, वो अलग अलग होते थे. और सेम प्रिस की तरह ही मॉन्क्स और नन्स भी शादी नहीं करते थे. और जो चर्च में जो मॉन्क, सॉरी, प्रीस्ट और बिशप होते थे, वो सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर थे. उनका काम सिर्फ लोगों को गाइड करना था स्पिरिचुअल पाथ पे. लेकिन ये लोग एक्स्ट्रा भी और करते थे, काम के अलावा, लेबर के अलावा, अपना खुद का काम करने के अलावा, ये आर्ट्स और इन सब के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूशन रहा था मॉन्क्स का. जैसे कि एबेस हिल्डेगार्ड, फर्स्ट पार्ट में हमने इनका वो देखा था ना, एक पार्ट में जिसमें कहते हैं कि क्यों थर्ड डिवीजन या तीन डिवीजन भगवान ने बनाई है, सबको बराबर नहीं रख सकता, इक्वालिटी नहीं हो सकती है ह्यूमन के बीच में, जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था एबेस हिल्डेगार्ड. तो ये एक म्यूजिशियन थे, और लोगों को इन्होंने क्या सिखाया था, एंड डेड मस्ट टू डेवलप द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी सिंगिंग ऑफ प्रेयर्स इन चर्च. मतलब लोगों को एक साथ प्रे करेंगे, एक साथ सिंगिंग करेंगे, तो उनकी कम्युनिटी में जो है टुगेदरनेस बढ़ेगी, आपस में उनका प्यार, आपस में उनका जो है बॉन्ड और ज्यादा बढ़ जाएगा कम्युनिटी का. तो ये सब एबेस ने कंट्रीब्यूट किया था, डेवलपमेंट किया था. फ्रॉम द 13th सेंचुरी सम ग्रुप ऑफ मॉन्क्स कॉल्ड फ्रायर्स धीरे धीरे आते आते, पहले तो एक ही जगह रहते थे, अलग से ह्यूमन सेटलमेंट से अलग एबेस में रहते थे. लेकिन कुछ मॉन्क्स ने डिसाइड किया कि वो एक ही जगह नहीं रहेंगे, वो लोगों के भले के लिए, उनको अच्छा कुछ सिखाने के लिए, कंट्रीब्यूशन करने के लिए समाज के लिए, हम एक जगह से दूसरी जगह भी जाएंगे, हम जगह जगह घूम कर लोगों को संदेश भी देंगे. और उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना चूज किया. इन मॉन्क्स को फ्रायर्स कहते थे. इन इंग्लैंड और क्या कंट्रीब्यूशन थे, चौसर रेड कैंटरबरी टेल्स, बहुत फेमस है कैंटरबरी टेल्स. और सेम इसी तरीके से लैंगलैंड्स की पोयम भी, जो जिन्हें पायस प्लॉमेन भी कहा जाता है, ये लोगों को और साथ में मॉन्क्स के लिए भी, कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, कैसी आपकी लाइफ होनी चाहिए, इस तरीके के पोएम्स के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू या स्टोरीज के थ्रू भी ये लोगों को गाइड करते थे, उनका लिखते थे. तो हम जो सोर्सेज देखते हैं, जो हमने सिंगिंग वगैरह जो देखी है, पोएम देखी है, उस ये सोर्स जो इन्होंने लिखे थे, जिससे उस टाइम की सोसाइटी के बारे में भी पता चलता है. ठीक है. ये जो कैंटरबरी का टेल्स का एक पोएम का ये पार्ट है, इसको हम पढ़ेंगे नहीं. पामर्स इसमें एक वर्ड है, बस कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पामर्स वर्ड का वर्ड है. अमोंग हु ट्रेवल्स टू डिस्टेंट श्राइन्स, एक जगह से दूसरी जगह जो घूमते हैं, इन्हें पामर्स भी कहते थे, मॉन्क्स को. बेनेडिक्टिन मॉन्क मोनेस्ट्रीज जो थी, दो फेमस मोनेस्ट्रीज, उसमें से एक है, एक बेनेडिक्ट, सेंट बेनेडिक्ट द्वारा बनाई गई मोनेस्ट्री. उसमें एक मैन्युस्क्रिप्ट, ये जो यहाँ पर जो रहते थे ना मॉन्क्स, इनकी ये आपको पता है कि जिसे हमने पढ़ा था, लिखते थे अलग से, सारी कॉपीज बनाते थे स्पिरिचुअल टेक्स्ट की. तो उसमें से ये इनके जो खुद के रूल्स होते थे, एक स्क्रिप्ट में इनके लिए भी लिखा गया कि मॉन्क्स को क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए. बेनेडिक्टिन मोनेस्ट्रीज देयर वाज अ मैन्युस्क्रिप्ट विद 73 चैप्टर्स ऑफ रूल्स विच वर फॉलोड बाय मॉन्क्स फॉर मैनी सेंचुरीज. अब ये जो मॉन्क्स हैं वो रह रहे हैं, तो अपनी मनमर्जी का तो कुछ करेंगे नहीं. उनके लिए जो रूल्स बनाए गए थे वो एक मैन्युस्क्रिप्ट में लिखे हैं, जो 73 चैप्टर्स की है, उसमें से कुछ यहाँ पर दिए गए हैं. तो ये भी आ सकते हैं कि मॉन्क्स के लिए ये जो रूल्स दिए गए थे, उसके भी ऑप्शन आते हैं कभी कभी. चैप्टर 6 में लिखा है, परमिशन टू स्पीक शुड रेयरली बी ग्रांटेड टू मॉन्क्स. मतलब ये ह्यूमन सेटलमेंट से दूर हैं, अपना साधन जीवन कैसे इनको बिताना है, तो बहुत ज्यादा इनको बटर बटर चपर चपर नहीं करना है, इनको बहुत ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं थी, जहां जरूरी है सिर्फ उतना ही. चैप्टर 7 ह्यूमिलिटी मीन्स ओबीडियंस. चैप्टर 33 में क्या लिखा है, नो मॉन्क शुड ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी. मतलब मोनेस्ट्रीज हैं, लेकिन वो एक कलेक्टिव ग्रुप ऑफ मॉन्क्स के लिए है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई भी मॉन्क अलग से नहीं रख सकता था.
आलस दुश्मन होता है सॉल का, इसलिए फ्रायर्स और सिस्टर शुड बी ऑक्यूपाइड एट सर्टेन टाइम्स इन मैनुअल लेबर भी उनको करना चाहिए, अपना खुद उगा के खाना चाहिए, कुछ टाइम उनको सेक्रेड रीडिंग में भी बिताना चाहिए, आलस में नहीं पड़े रहना चाहिए। चैप्टर 48 क्या कहता है, मोनेस्ट्री शुड बी लेड आउट इन सच अ वे दैट ऑल नेसेसिटीज बी फाउंड विद इन इट्स बाउंड्स, वाटर मिल गार्डन वर्कशॉप्स। तो अपनी जरूरतें पूरी करनी है तो मोनेस्ट्री ऐसी जगह पे बनाओ जहाँ का जहाँ पर आपको पानी मिल गार्डन वर्कशॉप ये सारी आप ठीक से बना सके या मिल सके ये सारी चीजें। ठीक है, ये मोनेस्ट्रीज क्या है। अब द वर्ड मोनेस्ट्री इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक टर्म मोनोज, ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड मोनोज इससे मोनेस्ट्रीज आया है। मोनोस का मतलब होता है समवन हु लिव्स अलोन, इट वाज अ प्लेस वेयर स्पिरिचुअल पीपल स्पेंड देयर लाइफ अलोन सेपरेटेड फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स। दो मोनेस्ट्री सेंट बेनेडिक्ट इन इटली इन 529 और क्लर्नी ऑफ बर्गंडी इन 910। इतनी बड़ी और कितनी सुंदर से बने हैं, काफी सारे मॉन्क्स इसमें एक साथ रहते थे। रिलेशन बिटवीन चर्च एंड द सोसाइटी, अब ये चर्च और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन थे, कैसे प्रभाव डाला था क्रिश्चियनिटी और चर्च ने लोगों पर। क्रिश्चियनिटी एंटर्ड यूरोप एंड फेज मोस्ट ऑफ द पीपल, 4th सेंचुरी तक लगभग पूरे यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैल गई थी। दे डिड नॉट फॉरगेट ओल्ड बिलीव्स, जब चर्च के थ्रू और इन सब क्रिश्चियन तो पूरा यूरोप बन गया था, लेकिन उससे पहले जो रोमन एम्पायर था और उसके कुछ ओल्ड बिलीव्स थे पूरी तरीके से वो एकदम से खत्म नहीं किया था कि आप क्रिश्चियन बन गए तो अब पहले जो करते थे वो एकदम से सब खत्म हो जाएगा, कुछ ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगता है। तो पहले जो वो फोक ट्रेडिशंस और मैजिक में बिलीव रखते थे ये अभी भी उनके जीवन का हिस्सा थे। क्रिसमस और ईस्टर नई इंपॉर्टेंट डेट्स बनकर उभरी थी 4th सेंचुरी से, दे रिप्लेस्ड ऑल प्री रोमन फेस्टिवल एज विच वर बेस्ड ऑन सोलर कैलेंडर, उससे पहले की जो रोमन फेस्टिवल्स थे उनको रिप्लेस किया था क्रिसमस और ईस्टर ने। और ईस्टर क्रिसमस क्या है, क्रिसमस जब इस जीसस का बर्थ हुआ था और ईस्टर जब उनका क्रिसिफिकेशन हुआ और रीबर्थ हुआ वो है। ये दोनों जो थे रिप्लेस डेट पर, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं था क्योंकि कैलेंडर लूनर कैलेंडर को ये फॉलो करते थे तो, और पिछले वाले फेस्टिवल्स को रिप्लेस किया था तो इनको अलग से एक ही डेट पे नहीं रखा गया था। ऑन कमिंग ऑफ स्प्रिंग पीपल यूज टू, उससे पहले जो रोमन लोग थे वो स्प्रिंग जब आती थी उसको भी सेलिब्रेट करते थे, तो एक इस चीज को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। ऑन कमिंग ऑफ स्प्रिंग पीपल यूज टू ट्रेवल अराउंड देयर विलेज लेंथ्स, ये पहले ऐसा करते थे अपने विलेज लेंथ्स जाते थे, और इन विलेज को पैरिश कहा जाता है, द एरिया अंडर द सुपरविजन ऑफ वन प्रीस्ट। तो हॉलीडेज ये जो छुट्टी के दिन बताते थे क्रिसमस ईस्टर और स्प्रिंग जब आता था, तो ये जो हॉलीडेज का कंसेप्ट छुट्टी वाला दिन है, अब यहाँ पर वैसे तो चर्च ने गाइड किया था कि ये जो दिन है आपको पीजेंट्स या फिर लोग जो है उनको क्या करना है उस दिन साथ भगवान को याद करना है, तो लेकिन क्या करते थे ये टाइम पे, ये हॉलीडेज है मतलब आपको अच्छा दिन बिताना है उस दिन भगवान को याद करना है, लेकिन धीरे धीरे हॉलीडे बन गया, छुट्टी का दिन बन गया क्योंकि उस दिन पीजेंट्स को काम नहीं करना पड़ता था। तो ये उनका खाली दिन है तो वो कैसे बिताते थे, दे यूजुअली स्पेंड मोर टाइम इन फन एंड फीस्टिंग रादर देन प्रेयर, प्रेयर की बजाय ये मजे करते थे, खाना पीना करते थे, घूमते थे, विलेज लैंड जाते थे, ये सब करने लग गए थे। अब आते हैं द सेकेंड ऑर्डर, तो सेकेंड ऑर्डर को हम फिर आई थिंक बहुत बड़ा हो जाएगा, चलो सेकंड ऑर्डर को भी देखते हैं। थर्ड पार्ट में हम सेकंड ऑर्डर को बाद में पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर को अभी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा 20 मिनट का। ये चैप्टर को हम थोड़ा थोड़ा तोड़ के पढ़ेंगे ताकि अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो फर्स्ट इसको हमने समझ लिया है, सेकंड और थर्ड ऑर्डर को और बाकी की कैसे चेंजेस हुई हम बाकी के पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फर्स्ट ऑर्डर पर खत्म करते हैं, सेकंड ऑर्डर को नेक्स्ट पार्ट से हम शुरू करेंगे। तो थर्ड पार्ट में फिर से मिलेंगे, जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इस पार्ट में आपको कुछ भी समझ नहीं आया है या फिर कुछ चीज़ मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा, और जाने से पहले लाइक शेयर और अब तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं थर्ड पार्ट में।